दोस्तों, श्रमिक भाई और बहनों, BRMGSS न्यूज़ के साथ ऑल साइड चैनल पर आप लोगों को स्वागत करता हूँ। दोस्तों देखिए, मैंने सोच रहा था कि जो न्यूज़पेपर भारत की न्यूज़पेपर है, उन न्यूज़पेपर में मीडिया वालों ने, प्रिंटिंग मीडिया वालों ने, उन लोगों का पेपर अलग अलग है और अलग अलग पेपर में उन लोगों का कंसेप्ट क्या है। उन लोगों ने हमारा जो बड़े लीडर अरुण कुमार पासवान जी ने जो मीटिंग पर भाषण रखा है, उस भाषण को क्या सुना है, सब अलग अलग संवाददाता या रिपोर्टर ने क्या सुना है और पब्लिश क्या कर रहे हैं, इसके सबूत देने के लिए आप लोगों को मैं ये पेपर की जो न्यूज़ है ये डालने की कोशिश कर रहा हूँ। आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप लोगों को शेयर करने की कोशिश में हूँ कि इसके सीक्रेट क्या है। जो इतने से न्यूज़पेपर है, अलग अलग रिपोर्टर है, संवाददाता है, उन लोगों का ऐसे बहुत सारे न्यूज़पेपर में डालने की क्या मतलब है, उन लोगों का लक्ष्य क्या है, उन लोगों ने क्या सुना है, माननीय अरुण कुमार पासवान जी से क्या सुना है, एक ही बात सुना है या अलग अलग बात सुना है, उन लोगों का कंसेप्ट क्या है, जेनिंग को लेकर कंसेप्ट क्या है, ये बात समझाने के लिए मैंने या हमने आप लोगों के सामने शेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ। दोस्तों बुरा मत मानिएगा, थोड़ा सा धीरज रखिए, सुन लीजिएगा। ये देखिए और एक न्यूज़पेपर है, देखिए यहाँ पर क्या हेडलाइन पर दिया हुआ है, हक की लड़ाई लड़ रहा है भारतीय रेलवे मालगदम श्रमिक संघ। और डिटेल्स यह है, राघोपुर से है, और डिटेल्स सुन लीजिए दोस्तों। श्रमिक भाइयों, भारतीय रेलवे मालगदम श्रमिक संघ के राष्ट्रीय महामंत्री अरुण कुमार पासवान अपने राष्ट्रव्यापी दौरे के क्रम में गुरुवार को सिमराही बाजार पहुँचे, जहाँ सिमराही स्थित होटल हेवन के प्रांगण में संघ के राष्ट्रीय संगठन मंत्री डॉक्टर दिगंबर प्रसाद मेहता ने राष्ट्रीय महामंत्री का फूलमाला एवं मिथिला पक से भव्य स्वागत किया। कार्यक्रम का शुभारंभ राष्ट्रीय महामंत्री अरुण कुमार पासवान, राष्ट्रीय संगठन मंत्री डॉक्टर दिगंबर प्रसाद मेहता, अभिषेक कुमार आनंद सहित अन्यों ने दीप प्रज्वलित कर किया। कार्यक्रम के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय महामंत्री श्री अरुण कुमार पासवान जी ने कहा कि हमारे संगठन 1998 से ही रेलवे मालगोदाम में कार्यरत श्रमिकों के हक हुकूक की लड़ाई लड़ते आ रही है। श्रमिक अपना खून पसीना बहाकर भारतीय रेलवे को 70% मुनाफा देने का काम कर रही है। कहा कि कोरोना महामारी के समय देश और समाज के प्रति अपने कर्तव्य को निभाने के लिए श्रमिक अपनी जान की परवाह किए बगैर रेलवे मंत्रालय के साथ संघ से कंधे से कंधा मिलाकर काम करते रहे, ताकि देश के हर एक कोने में देश के हर एक व्यक्ति को अनस पहुँच सके और वो भूखमरी का शिकार ना हो पाए। कहा कि 27 अप्रैल को भारतीय रेलवे बोर्ड के चेयरमैन तथा CEO विजय कुमार त्रिपाठी के साथ रेल भवन नई दिल्ली में संघ के साथ बैठक हुई, जिसमें भारतीय रेलवे मालगोदाम श्रमिक संघ की तरफ से 6 अलग अलग रेलवे जोन के रेलवे मालगोदाम का रिपोर्ट चेयरमैन के समक्ष जमा किया गया। चेयरमैन भारतीय रेलवे मालगोदाम श्रमिकों को बेहतरी के लिए प्रत्येक जोन को रेलवे बोर्ड के तरफ से फंड अलॉटमेंट कराने का काम करेंगे। कार्यों में राष्ट्रीय संगठन मंत्री श्री मेहता ने कहा कि हमारी संघ लगातार श्रमिकों की आवाज़ को सरकार तक पहुंचाया है। श्रमिकों को दिसंबर 2022 तक सारी मूलभूत सुविधा लागू कराना एकमात्र लक्ष्य है, और राष्ट्रीय महामंत्री श्रमिकों को हक अधिकार दिलाने के राष्ट्रव्यापी दौरे पर मौके पर संघ के सैकड़ों कर्मी मौजूद थे। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।